नमस्कार, मैं रोहितास कुमार सहायक आचार्य इतिहास। आज अपन मुगल शासकों की धार्मिक नीति की समीक्षा करेंगे, यानी मुगल जो शासक थे उनकी धार्मिक नीति कैसी थी, उनसे पहले जो सल्तनतकालीन शासक थे उनसे उनकी धार्मिक नीति में क्या परिवर्तन हुआ। सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, इससे हिंदू मुस्लिम एकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुगल काल में अकबर के समय की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण शुरू किया गया, जिसका मुगल साम्राज्य को राजनीतिक लाभ मिला और हिंदू और मुसलमानों में समन्वय को प्रोत्साहन मिला। लेकिन औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य विघटन की तरफ चला गया। लेकिन मुगलों के अधिकांश काल में धार्मिक समन्वय की, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया गया। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और संत आंदोलन आदि ने लोगों को एक दूसरे को समझने और साथ रहने की भावना को प्रोत्साहित किया। उससे भी मुगल काल के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता अधिक थी और उस समय के जो सम्राट थे, शासक थे, उन्होंने भी धार्मिक स्वतंत्रता की नीति को अपनाया। लेकिन भिन्न भिन्न मुगल शासकों ने धार्मिक नीति भी भिन्न भिन्न अपनाई। बाबर सल्तनत काल के शासकों की अपेक्षा उदार अवश्य था, लेकिन उसने गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता कभी नहीं दी। बाबर ने पानीपत के युद्ध में जिहाद के नाम पर सैनिकों को प्रोत्साहित किया। राणा सांगा को वो काफिर कहता था। मेदिनी राय के विरुद्ध की गई विजय को उसने काफिरों के विरुद्ध इस्लाम की विजय कहा। यानी कहने का अर्थ है, बाबर एक अनुदार शासक था और उसने, या उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उसे हिंदुओं के खिलाफ नीति अपनानी पड़ी और उसने जो भी युद्ध लड़े उन युद्धों को जिहाद का नाम दिया और हिंदुओं को काफिर के नाम से संबोधित किया। और उसने ये कहा कि हिंदुओं को पराजित करना धर्म के अनुकूल है और इनसे युद्ध वाजिब है। इसीलिए मेदिनी राय के विरुद्ध की गई विजय को उसने काफिरों के विरुद्ध इस्लाम की विजय कहा। बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, उसने भी अपने पिता की नीति का अनुसरण किया। उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह पर उस समय तक आक्रमण करना उचित नहीं समझा जब तक वह चित्तौड़ के राजपूतों के विरुद्ध युद्ध में उलझा हुआ था, क्योंकि वह ये समझता था कि बहादुर शाह विधर्मियों के साथ युद्ध कर रहा है और ऐसे समय में उसके खिलाफ युद्ध करना उसके धर्म के अनुकूल नहीं है। और इसी कारण से उसने, जब चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने राखी भेजकर सहायता का अनुरोध किया, तो उस अनुरोध को भी समय पर स्वीकार नहीं किया। शेरशाह, जिसने हुमायूं को पराजित किया और भारत के अंदर फिर से एक बार सूर वंश की स्थापना की, वो हुमायूं की अपेक्षा अधिक कट्टर था। उसने रायसेन के शासक पूर्णमल पर इसलिए आक्रमण किया कि वह एक काफिर का दमन कर धार्मिक यश प्राप्त कर सके। शेरशाह या सूरवंश के शासक के बाद 1555 के अंदर फिर से हुमायूं ने भारत पर अधिकार कर लिया और कुछ समय बाद ही, लगभग 6 महीने बाद, हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसकी जगह एक नया शासक अकबर बना। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो मुगल शासकों के अंदर सबसे ज़्यादा धार्मिक सहिष्णु और उदारता की नीति थी और उसकी धार्मिक नीति ने मुगल प्रशासन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। अकबर ने धार्मिक उदारता व सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, भले ही अपने साम्राज्यवादियों और प्रशासनिक हितों की पूर्ति करना इस नीति का उद्देश्य रहा हो। अकबर को इस हेतु कई परिस्थितियों ने प्रेरित किया। अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई, उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई, उसको लागू करने के लिए
उसे बहुत सी परिस्थितियों ने प्रेरित किया। उनमें पहला है, अकबर ये समझ गया था कि भारत में राजपूतों व बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति कठोर नीति अपनाकर शासन नहीं किया जा सकता। अकबर एक अच्छा शासक था और उसने ये देखा कि भारत के अंदर अधिकतर लोग हैं वो हिंदू हैं और जो राजा हैं वो राजपूत हैं। अगर इन लोगों का लगातार विरोध किया जाए तो भारत के अंदर स्थायी शासन की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए उसने हिंदू धर्म और राजपूतों के प्रति उदारता और सहिष्णुता की नीति को अपनाया। दूसरा, अकबर का जन्म राजकोट में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इसका प्रभाव भी अकबर के विचारों पर पड़ा। राजपूतों के संपर्क में आने का भी अकबर पर प्रभाव पड़ा। अकबर का संरक्षक बैराम खां और शिक्षक अब्दुल लतीफ शिया थे। उन्होंने अकबर को बंधुत्व एवं सुलह की भावनाओं के लिए प्रेरित किया। यानी उसके जो शिक्षक थे, उसका जो संरक्षक था, वो शिया थे और शिया अन्य लोगों से अधिक उदार होते हैं। इसलिए उन्होंने भी उसे बंधुत्व और सुलह की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। चौथा, सूफी संत शेख मुबारक तथा अब्दुल फजल जैसे विद्वानों का भी अकबर पर प्रभाव पड़ा। पांचवा, अकबर स्वयं जिज्ञासु स्वभाव का था और वो विभिन्न धर्मों के विचारों को जानने की इच्छा उसमें रहती थी। उसने विभिन्न धर्मों के संतों, जैन, ईसाई, पारसी और हिंदू संतों से संपर्क किया और उस संपर्क से भी उसमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप उसने हिंदुओं और भारत में जो भी लोग रह रहे थे उनके प्रति उदारता की नीति को अपनाया। इसी का परिणाम ये था कि 1563 में अकबर ने हिंदुओं पर लगाया जाने वाला तीर्थयात्री कर और 1564 में जजिया कर हटा दिया। यानी ये दोनों ही कर एक तरह से भेदभावपूर्ण कर थे। जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, यानी धार्मिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने तीर्थों पर जाता, उनके ऊपर कर लगाया जाता था, जजिया कर, जो कि सल्तनत काल में लगाया गया था। और ये सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था कि मुसलमान जो शासक हैं वो उनको सुरक्षा दे रहे हैं और इसके बदले में उन्हें कर देना होगा। इस जजिया कर को भी उसने 1564 में समाप्त कर दिया। मंदिर निर्माण पर भी कुछ जगह पर प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को भी उसने हटा दिया। राज्य के उच्च पदों पर गैर मुस्लिमों को नियुक्त किया जाने लगा। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराया और बलपूर्वक जो धर्म परिवर्तन था उस पर भी उसने रोक लगा दी। इस तरह से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति अपनाई, जिसमें बहुत सी परिस्थितियाँ थी और इस धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति का परिणाम उसे बहुत अच्छा मिला, जिसके फलस्वरूप उसने पूरे भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित किया। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की और इस इबादत खाने की स्थापना का उद्देश्य ये था कि विभिन्न धर्मों के जो सिद्धांत हैं उनको समझा जाए। यहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को शुरू के अंदर सिर्फ इस्लाम के सिद्धांतों पर विचार विमर्श होता था, लेकिन बाद में अकबर ने हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई संतों को भी आमंत्रित करना शुरू किया और उनके विचारों को जानने का काम किया। तो इबादत खाने की स्थापना से भी भारत के अंदर धार्मिक सहिष्णुता और उदारता को बल मिला और इससे विभिन्न धर्मों के जो संत थे उनके आपसी जो विचार विमर्श था वो हुआ, आपसी जो सिद्धांत थे उनका आदान प्रदान हुआ। अकबर ने जो अगला कदम उठाया वो मजहर की घोषणा। अकबर अब जो मुसलमान उलेमा थे उनके प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। अकबर ने ये देखा कि जब भी कोई बात आती है तो मुसलमान जो उलेमा है, धर्म के जो ज्ञाता हैं, वो कोई न कोई रोड़ा अटका देते हैं, वो कोई न कोई अपनी बात बीच में उलझा देते हैं। उससे मुक्त होने के लिए उसने 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी में फेजी द्वारा रचित एक खुतबा पढ़ा। इसके 3 माह पश्चात 2 सितंबर 1579 को उलेमाओं के समक्ष एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मजहर घोषणा पत्र या सर्वज्ञाता घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसमें कुरान की व्याख्या करने का अधिकार अपनी इच्छा से सम्राट को
दे दिया गया। कहने का अर्थ ये था कि अब अकबर इस्लाम या मुसलमान धर्म के जो भी मामले थे उनमें सबसे बड़ा निर्णय देने वाला व्यक्ति बन गया, वह सर्वज्ञता हो गया और मजहर की घोषणा द्वारा इस्लाम धर्म के ऊपर उसकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई, जो कि 1579 में मजहर की घोषणा उसके द्वारा की गई। यद्यपि इससे कट्टर मुसलमान नाराज़ हुए, लेकिन इससे उलेमाओं का प्रभाव समाप्त हो गया। अकबर ने धर्म को प्रशासन से अलग रखा, उसने इस्लाम को राजधर्म भी रखा। दीन एलाई। अकबर की मान्यता थी कि किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अकबर ने अपना एक नया धर्म भी चलाया जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। इबादत खाने में विचार विमर्श के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं। जब इबादत खाने में उसने विभिन्न विद्वानों को बुलाया और उन विद्वानों को बुलाने के बाद में उसने देखा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो इन सब धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर एक नया धर्म बना दिया जाए तो वो ठीक रहेगा। और उसी का ये परिणाम था कि उसने दीन इलाही धर्म बनाया। ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अकबर ने दीन इलाही धर्म को किसी पर थोपा नहीं, जैसा पहले भी कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए उसने किसी को बाध्य नहीं किया। दीन इलाही की प्रमुख विशेषताएं थी। दीन इलाही के सिद्धांत सरल थे, इस धर्म को मतावले में ईश्वर को मानते थे और अकबर को अपने युग का इमाम व नेता मानते थे। यानी ये ईश्वर को मानते थे और अकबर इमाम था या उन लोगों का नेता था। इस धर्म के सदस्य एक दूसरे को अल्लाह अकबर तथा जल्ले जलालुहू कहकर अभिवादन करते थे। अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता पर जोर दिया गया, यानी इस धर्म के लोग अन्य धर्म के जो लोग हैं उनके साथ सहनशील रहेंगे। दीन इलाही के अनुयायी सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि को पवित्र मानते थे। दीन इलाही में प्रवेश के लिए एक निश्चित विधि का प्रयोग किया जाता था। सदस्य बनने वाला व्यक्ति रविवार के दिन अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था। अकबर उसे उठाकर अपने हाथों से पकड़ी बांधता था। अब्दुल फजल इस धर्म का मुख्य पुरोहित था। सम्राट का जन्मदिन सभी मिलजुल कर मनाते थे। पशु पक्षियों का शिकार करना वर्जित था। सदस्यों को उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यानी अकबर ने सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनको एक साथ करके दीन इलाही धर्म बनाया और उसके कुछ सिद्धांत निश्चित किए। लेकिन दीन इलाही धर्म लोकप्रिय नहीं हो पाया। अबुल फजल के अनुसार, जो कि उसका मुख्य पुरोहित भी था, केवल 18 सदस्यों ने इस नए धर्म को स्वीकार किया। इस धर्म को स्वीकार करने वालों में अकेला बिरबल ही हिंदू था। कुछ इतिहासकारों ने इस धर्म की आलोचना की, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस धर्म के लिए अकबर को उन तत्वों से प्रेरणा मिली जो विभिन्न संतों द्वारा भारत भूमि में विकसित हो रहे थे। स्मिथ ने दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक बताया है, लेकिन यह उचित नहीं है। अकबर के बाद जहांगीर के समय में मुगलों की धार्मिक नीति में पुनः परिवर्तन होने लगा। यानी अकबर के बाद जब जहांगीर सम्राट बना तो पुनः उसने जो धार्मिक नीति अपनाई थी उसमें परिवर्तन होने लगा और उदारता से फिर से ये लोग अनुदारता की तरफ जाने लगे। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव और गुजरात के जैनियों के साथ कटु व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने धार्मिक उत्सवों मेलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया और हिंदू मुसलमानों में आंशिक भेदभाव रखा। सांझा के समय में पुनः कठोर धार्मिक नीति की शुरुआत हो गई। उसने दरबार में हिंदुओं को तुलादान पद्धति, रक्षाबंधन, दशहरा, बसंत आदि उत्सव मनाने पर रोक लगा दी। जिन उत्सवों को अकबर ने दरबार में मनाने की छूट प्रदान की थी उन पर सांझा ने रोक लगा दी। नए मंदिरों का निर्माण व पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भी रोक लगा दी गई, जिसका अकबर ने शुरुआत की थी कि नए मंदिर बन सकते हैं और पुराने मंदिरों की मरम्मत भी हो सकती है, इस पर सांझा ने रोक लगा दी। औरंगजेब ने सम्राट बनते इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया। उसने हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर लगा दिया, जो कि अकबर के द्वारा
1563 व 64 के अंदर हटाए गए थे, इनको पुनः लगा दिया गया। उसने विभिन्न धार्मिक उत्सवों और त्योहारों पर दरबार में मनाने पर रोक लगा दी। साझा तक आंशिक रूप से लोग रोक थी, कुछ से उत्सव मना लिए जाते थे, लेकिन औरंगजेब ने सभी उत्सव जो कि हिंदुओं के थे या अन्य धर्मों के थे, इस्लाम को छोड़कर, उन सभी उत्सवों पर रोक लगा दी गई। साथ ही हिंदू मंदिरों को गिराने की आज्ञा भी जारी कर दी। मसरे आलमगिरी में उल्लेख मिलता है कि इसके बाद उसने सब प्रांतों के राज्यपालों को काफिरों के मंदिरों, स्कूलों, शिक्षा संबंधी कार्यों और धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट करने संबंधी आज्ञा जारी कर दी। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मुगल साम्राज्य को लाभ मिला, जिससे मुगल साम्राज्य जो एक अस्थायी राज्य था, अकबर के समय तक सीमित क्षेत्र में था, अकबर की धार्मिक नीति का ये परिणाम हुआ कि वो पूरे भारत में फैला और उसने स्थायी रूप धारण किया। लेकिन औरंगजेब की जो प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति थी, उससे समाज का एक बड़ा वर्ग, यानी जो हिंदू और राजपूत वर्ग था, या मुगलों और इस्लाम को छोड़ के जो अन्य वर्ग था, वो मुगलों के विरोधी हो गया और इसका ये परिणाम हुआ कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य विघटन की तरफ चला गया। मुगलों के राजपूत, मराठा, जाट व अन्य जितने भी सैनिक संगठन थे या राज्य थे या जो मनसबदार सूबेदार थे, वो धीरे धीरे विरोधी होते गए और मुगल साम्राज्य विघटन की तरफ जाता रहा। तो मुगल साम्राज्य के विघटन में मुगलों की जो धार्मिक नीति है वो भी अपना स्थान रखती है। मुगल साम्राज्य के बनने में भी अकबर की धार्मिक नीति का प्रमुख स्थान रहा और मुगल साम्राज्य के विघटन में औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, हिंदुओं के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति थी, उसका एक कारण रहा है। धन्यवाद।